राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे एक छोटी सी क्लास में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आए हैं। आज हम आपको बताने आए हैं ईर्ष्या द्वेष स्पर्धा और प्रतियोगिता में क्या अंतर है। ये शब्द ऐसे हैं कि दैनिक जीवन में लोग बहुत बड़ी मात्रा में इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन होता क्या है, जहां ईर्ष्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए वहां द्वेष का कर देते हैं, जहां द्वेष शब्द का प्रयोग करना चाहिए वहां ईर्ष्या का कर देते हैं, जहाँ प्रतियोगिता का करना चाहिए वहाँ स्पर्धा का करते हैं, जहाँ स्पर्धा शब्द का प्रयोग करना चाहिए वहाँ प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो इन शब्दों में अंतर है, इन शब्दों के अर्थों में अंतर है। जब इनका हम अर्थ समझ लेंगे तब इनका सही प्रयोग हम कर पाएंगे। तो आज हम यही आपको बताने के लिए आए हैं कि द्वेष शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाए। शत्रु के प्रति विरोधी भाव हो वहाँ द्वेष शब्द का प्रयोग किया जाए। शत्रु के प्रति विरोधी भाव, जैसे आपका कोई शत्रु है उससे विरोध का भाव है, तब यदि आप उससे द्वेष करते हैं तो ठीक है। लेकिन कई बार अरे तुम तो हमसे द्वेष करते हो, मित्रों से भी कहने लगते हैं, मित्रता में, घर में, परिवार में, नहीं, शत्रु के प्रति जो विरोधी भाव होता है उसे कहते हैं द्वेष। दूसरा है ईर्ष्या, दूसरों की प्रगति सहन न कर पाने से उत्पन्न भाव। ये सभी भाव हैं, भावनाएं हैं, भावनाएं हैं। ईर्ष्या क्या है, दूसरे की प्रगति सहन न कर पाने से जो उत्पन्न भाव होता है, जो खीज होती है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दूसरे ने अच्छी गाड़ी ले ली, दूसरे ने सफलता प्राप्त कर ली, पड़ोसी की नौकरी लग गई, ये सहन नहीं हो पा रहा, पड़ोसी बहुत कमा रहा है हम नहीं कमा पा रहे हैं, तो इस जलन को ही ईर्ष्या कहते हैं। दूसरे के प्रति जो हमारा भाव है उसकी प्रगति सहन न कर पा रहे हैं, वही क्या है, वही ईर्ष्या है। ठीक है, तो ये ईर्ष्या मनुष्य के स्वभाव में आजकल पाई जाती है। लोग दूसरों से बहुत ईर्ष्या करते हैं, परिवार के सदस्यों से, भाई भाई भी ईर्ष्या करते हैं, पड़ोसी भी ईर्ष्या करते हैं, मित्र भी ईर्ष्या करने लगते हैं। एक कॉलेज में, एक स्कूल में स्टाफ हैं, वो भी आपस में ईर्ष्या करने लगते हैं कि अरे इसने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, बहुत बड़ी गाड़ी, ये बहुत कमा रहा है और हम नहीं कमा पा रहे हैं, इसके बहुत बहुत मिलने वाले हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में ईर्ष्या हो सकती है। ठीक है, स्पर्धा क्या है, विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना। विकास के क्षेत्र में यदि आप अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना रखते हैं, स्वस्थ भावना, तो वो होती है स्पर्धा। विकास में, उन्नति में, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, बस अपने से मतलब रखना है, अपने को आगे करने की कोशिश करना है, स्पर्धा है। प्रतियोगिता क्या है, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक सहभागिता का कार्यक्रम, ये प्रतियोगिता है। आप TGT की परीक्षा दे रहे हैं, ये प्रतियोगिता है, समान लक्ष्य है और सभी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक सहभागिता का कार्यक्रम। सामूहिक सहभागिता का कार्यक्रम कैसे है, पूरी यूपी के लोग, यूपी से बाहर के लोग समान लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, ये प्रतियोगिता है। ये क्या है, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता भी स्वस्थ होनी चाहिए, प्रतियोगिता में भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रतियोगिता कैसी होगी, प्रतियोगिता द्वेष पैदा कर देगी, बैर पैदा कर देगी, शत्रुता पैदा कर देगी। तो प्रतियोगिता जहाँ कराई जाए वहाँ स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। स्वस्थ का मतलब नियम पूर्वक होनी चाहिए और नियम के अनुसार होनी चाहिए, उसमें भेदभाव या किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ के मेहनत करके पेपर दे रहे हैं, दूसरे ने पेपर पिछले रास्ते से निकाल लिया और आगे निकल गया, तो ये प्रतियोगिता स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होती है। ठीक है, नकल करके आगे बढ़ने की प्रतियोगिता स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है, मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ने की जो प्रतियोगिता है वो स्वस्थ प्रतियोगिता है। तो आशा और विश्वास है कि ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा और प्रतियोगिता, इन चारों शब्दों का अंतर आप समझ गए होंगे। विरोध हो शत्रु से तो द्वेष, दूसरों की प्रगति से यदि जलन हो तो ईर्ष्या, ठीक है, विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ने का भाव है तो स्पर्धा, और एक सामूहिक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपनी उन्नति के लिए, ठीक है, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा कार्यक्रम प्रतियोगिता कहलाता है। तो आशा और विश्वास है कि ये सब आप समझ गए होंगे और इन शब्दों का प्रयोग आप उचित स्थान पर ही करेंगे। पहले पढ़ें, जानें, सीखें, अपनाएं, फिर उसके बाद प्रयोग भी करें, और प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि उचित स्थान पर उचित शब्द का ही प्रयोग करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।